दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने तालाब के पास। तो चलिए अपने शार्क को पानी में डाल देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो वो। चलिए अब इसका फाउंटेन ऑन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना गजब का फीचर इसमें दिया हुआ है भाई साहब। आप लोग यार, मैं हूं संदीप एंड मैं आज आपके लिए लेकर आ चुका हूं बहुत ही गजब का आइटम। इसके अंदर आ जाए यार आरसी शार्क। तो सबसे पहले इसकी हम टेस्टिंग करेंगे यार और फिर आपको दिखाएंगे अनबॉक्सिंग में इसके सारे फीचर डिस्कस करेंगे और बताएंगे इसके अंदर क्या क्या आपको प्रोवाइड होगा। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, मैंने इससे पहले भी एक शार्क की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है जो कि ब्लैक कलर की थी एंड वो भी बहुत ज़्यादा ऑसम थी। और इस बार तो मैं और भी खतरनाक शार्क यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से हमारी जो शार्क है पानी में वर्क कर रही है। एकदम इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से काम कर रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर का जो फाउंटेन है वो चलाया है और कितनी ऊपर तक वो वर्क कर रहा है। तो एक काम करते हैं, अब इसको फाउंटेन को चला रहने देते हैं और डायरेक्ट ही ऐसे ही पानी में चलाते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी अब रेंज देख सकते हो कितनी दूर तक ये कंट्रोल हो पा रही हो भाई साहब। बहुत ही खतरनाक शार्क है भाई। एंड अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो मैं लिंक दे दूंगा। एंड नाउ अब मैंने जैसे ही कहा था इसके फ्यूचर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर अब इसको हम अनबॉक्स करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने बढ़िया तरीके से इसके अंदर ये पैकिंग की हुई है। एंड यहाँ पर सबसे पहले हमको देखने को मिल जाते हैं इसके कुछ डिस्क्रिप्शंस। यहाँ पर एक बैटरी प्रोपेलर वगैरह कुछ दी हुई है एंड रिमोट की आप लुकिंग देख सकते हो बाय गॉड बहुत ही गुड लुकिंग का हमको रिमोट देखने को मिल जाता है एंड एकदम प्रीमियम लुकिंग का है। इसके बटन वगैरह सब बहुत ही स्मूथ है। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में एंड इसके बैक साइड में इनका सेल का सिस्टम दिया हुआ है। अब बारी आती है अपनी शार्क की आप यार लुकिंग देख सकते हो। ऊपर में इसके एक होल दिया हुआ है फाउंटेन के लिए एंड इसकी जो बैक साइड की जो इसकी पूंछ है कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एंड ओवरऑल लुकिंग मुझे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी। आपको ये शार्क कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड जो भी भाई नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर इसके बैक साइड में देख सकते हो नीचे की तरफ कुछ होल दिए हुए हैं जिससे कि इसके फाउंटेन से पानी निकलता है ऊपर के होल से। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।